एक्सिस बैंक में वैसे तो काफी सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं जिनको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड आपको काफी अच्छे अच्छे ऑफर्स प्रोवाइड करता है और ऑनलाइन शॉपिंग करने पर काफी अच्छा डिस्काउंट भी देता है। जैसे अगर आप फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग करते हैं तो आपको अनलिमिटेड 5% का कैशबैक मिलता है। इसके अलावा आप अदर कहीं भी अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपको 1.5% का कैशबैक मिलता है। अभी कुछ टाइम पहले तक ये क्रेडिट कार्ड बिल्कुल पूरी तरह से फ्री था, ना तो इसकी कोई ज्वाइनिंग फीस थी और ना ही कोई एनुअल फीस थी, लेकिन अब इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको एनुअल फीस और ज्वाइनिंग फीस दोनों देनी होगी। ज्वाइनिंग फीस आपकी 500 रुपीज प्लस GST है और एनुअल फीस भी 500 प्लस GST देनी होगी। लेकिन अगर इस कार्ड के फीचर्स को देखें तो फीचर्स को देखते हुए ये फीस कुछ भी ज्यादा नहीं है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। आप इसी प्रोसेस से एक्सिस बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड वैसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा वो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं तो ये सिलेक्ट करेंगे और एक्सिस बैंक के कस्टमर नहीं हैं तब आप नो सिलेक्ट करेंगे। तो क्योंकि हम एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं तो यहाँ पर हम ये सिलेक्ट करेंगे। टोटल आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर जो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है वो मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, या आप डायरेक्ट अपनी कस्टमर आईडी भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ या फिर पैन कार्ड नंबर डालेंगे। सेकेंड स्टेप में आपके सामने ऑफर्स आ जाएंगे, आप जिस क्रेडिट कार्ड के लिए भी एलिजिबल होंगे वो सभी क्रेडिट कार्ड आपके सामने शो हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चेक करनी है और एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ या पैन कार्ड नंबर डालेंगे, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपके बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP यहाँ पर एंटर करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, आई एग्री, इसके बाद सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर आपकी काफी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक फेच हो जाएगी आपके बैंक अकाउंट से, जैसे कि आपका नेम, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, आपका जेंडर, आप अपने क्रेडिट कार्ड पर कौन सा नाम प्रिंट करना चाहते हैं वो नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर आपका कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा एज पर आधार कार्ड। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड इसी एड्रेस पर लेना चाहते हैं तो आप इसको यस करेंगे, और अगर आप किसी दूसरे एड्रेस पर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तब आप इसको नो करेंगे। फिर आपको अपना नया एड्रेस फिल करना होगा। यहाँ पर एड्रेस टाइप सिलेक्ट करेंगे, आपका ये रेजिडेंस एड्रेस है या फिर ऑफिस एड्रेस है, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं रेजिडेंस। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करेंगे, आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं। यहाँ पर अपना एनुअल इनकम डालेंगे, आप एक साल में कितना कमा लेते हैं। यहाँ पर सोर्स ऑफ फंड बताना है, आपकी जो इनकम है वो किस सोर्स से आती है, जैसे कि हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं बिजनेस इनकम। यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस बताना है, आपका किस तरह का बिजनेस है। यहाँ पर ऑनरशिप टाइप सिलेक्ट करेंगे, आपका ये बिजनेस कितने टाइम से है यहाँ पर ईयर्स में बताना है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब आपके सामने क्रेडिट कार्ड की लिस्ट आ जाएगी, आप जिस क्रेडिट कार्ड के लिए भी एलिजिबल हैं वो सभी क्रेडिट कार्ड यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर 4 क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है, एक है माइजोन जो कि सबसे फेमस क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का, दूसरा है विस्ट्रा प्लेटिनम इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, और फोर्थ है यहाँ पर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, ये भी काफी फेमस क्रेडिट कार्ड है और ज्यादातर फ्लिपकार्ट यूजर्स को इस क्रेडिट कार्ड के बारे में पता भी होगा क्योंकि ये काफी कमाल का क्रेडिट कार्ड है। आप फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से जो भी शॉपिंग करते हैं उस पर आपको अनलिमिटेड 5% का कैशबैक मिलता है, और क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने के बाद आपको 1,000 रुपीज का इसमें गिफ्ट वाउचर भी मिलता है जिसको आप फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करने पर यूज कर सकते हैं। साथ ही आप यहां पर इसकी ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस देख सकते हैं, 500 रुपीज इसकी ज्वाइनिंग फीस है प्लस GST, और एनुअल फीस जब आपका ये रिन्यू होगा तब भी आपको 500 रुपीज प्लस GST देना होगा। कार्ड की और डिटेल्स चेक करने के लिए यहाँ नो मोर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कार्ड की कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं, कार्ड के कंप्लीट फीचर्स और इसके बेनिफिट्स। 4% का आपको कैशबैक मिलता है अगर आप इसको क्लियर ट्रिप, क्योर फिट, PVR या स्विगी जैसी साइट्स पर यूज करते हैं। 1.5% का आपको कैशबैक मिलता है ऑल अदर स्पेंड्स पर, आप कहीं भी इसको यूज करेंगे तो आपको 1.5% का कैशबैक मिलेगा। अगर आप इस कार्ड से एक साल में 2 लाख रुपए तक की शॉपिंग कर लेते हैं, 2 लाख रुपए आप इससे यूज कर लेते हैं तो आपकी जो एनुअल फीस है वो फ्री हो जाती है। तो ये इस कार्ड के फीचर्स हैं, यहाँ से इसको क्लोज करेंगे।
तो हम इसी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने वाले हैं, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद सबमिट करेंगे। एंड फाइनली हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर भी जनरेट हुआ है, इस रेफरेंस नंबर को आपको नोट करके रख लेना है। इसी रेफरेंस नंबर से आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपके पास बैंक की तरफ से एक कॉल आएगी, जिसमें आपके पास बैंक का एक एम्प्लॉई आएगा आपकी केवाईसी कंप्लीट करने के लिए, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। सो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर अप्रूव हो जाएगा और आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दिया जाएगा। तो आपके कार्ड के जो भी अपडेट्स होंगे वो आपकी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस के थ्रू आपको मिलते रहेंगे। तो कार्ड को अप्लाई करने के बाद आपको वेट करना है एक हफ्ते तक। तो जैसे ही हमारा क्रेडिट कार्ड अप्रूव होगा, अप्रूव होने के बाद जब हमें रिसीव हो जाएगा, इसके बाद मैं एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको कार्ड का पिन कैसे जनरेट करना है, कार्ड को कैसे एक्टिवेट करना है, कार्ड कैसे यूज करना है, इसके बारे में भी कंप्लीट बताऊंगा। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आपको कार्ड अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपका कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।